बीएसएफ दी 99 बटालियन अते पंजाब पुलिस ने सांझे ऑपरेशन तहत भारत पाक सरहद नेड़े बीओपी पोस्ट रोसा तो 8 किलो 500 ग्राम हैरोइन बरामद की है। बीएसएफ दे डीईजी प्रभाकर जोशी अते एसएसपी गुरदासपुर नानक सिंह ने खुलासा किया कि पाकिस्तान वाले पासियों लगातार भारत वाल हैरोइन दी खेप भेजी जा रही है, जबकि उन्हां दीआं फोर्सां वल्लों पाकिस्तान दीआं नापाक कोशिशां नूं नाकाम किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है, तब से लगता है इनकी गतिविधियों में काफ़ी वृद्धि हुई है और लगातार इनके प्रयास करे जा रहे हैं कि किस तरह से ये भारत में हेरोइन और हथियारों को भेजें। अभी पिछले महीने भी हमने पंजाब का सबसे बड़ा सीजर 42 KG का पंजग्राही बीओपी है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहाँ करा था और उसके साथ ही 4.5 KG यहाँ भी पुलिस के साथ मिलकर के एक सीजर चंदू वडाला बीओपी में हुआ था। तो तकरीबन 2.5 महीने में हमने यहाँ पे कोई 54-55 KG हेरोइन पकड़ ली है और कितने ही प्रयास इनके नाकामयाब करे जा चुके हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पूरी ताकत के साथ कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर ये ड्रग्स को पाकिस्तान के द्वारा भेजा जा रहा है। हाँ, सीमावर्ती लोगों को तो ये पूरा एक अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बहुत बड़ी शक्ति के द्वारा ताकत के साथ इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी यदि जागरूक होंगे और वो समय पर यदि इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ड्रोन के थ्रू जो हमारे सामने एक नया चैलेंज पूरे पुलिस के सामने बीएसएफ के सामने जो उभर के आया है वो है ड्रोन का। ड्रोन में चूंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है और ड्रोन के माध्यम से 3-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक इसको हथियार को और ड्रग्स को भेजा जा रहा है, तो यदि हमारी आम जनता जागरूक है और वो एकदम यदि कोई भी बाहर के आदमी का मूवमेंट देखती है तुरंत पता पड़ जाता है गाँव में, क्योंकि लोग बाग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और किसी भी तरह का सस्पेक्ट यदि कोई गिरता हुआ दिखता है सामान और तुरंत, क्योंकि पुलिस के पीछे सेकंड टायर पे बहुत मजबूती के साथ नाके लगा रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और यदि उनको बताया जाएगा और हमें बताया जाएगा तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए लोगों का जागरूक करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, और जब तक जन जन में ये भावना नहीं जाएगी कि हम यहाँ पर पुलिस और फोर्सेस का सहयोग करें, क्योंकि पंजाब की समृद्धि और पंजाब की जवानी दोनों को पाकिस्तान नष्ट करना चाहता है। पहले भी 80s से लेकर के और 2000 तक अपन सब विटनेस ही हैं किस तरह पाकिस्तान यहाँ भयंकर तबाही लाया, और अब ये दूसरे तरीके से, ये तो नहीं आतंकवाद को तो रिवाइव करने में सफल नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी इसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह यहाँ पर दोबारा इस तरह के तत्वों को जागरूक करा जाए, अशांति फैलाया जाए, अस्थिरता फैलाई जाए, ड्रग्स का लोगों को शिकार बना। इस नाल ही अधिकारियों ने दसिया कि बरामद की गई हेरोइन की कौमांतरी बाजार विच कीमत 45 करोड़ रुपए दसी जा रही है। यह सीक्रेट इनफॉरमेशन थी कलन और एसएचओ को ते इन दी टीम को, उस सीक्रेट इनफॉरमेशन दे बेसिस ते 89 बटालियन बीएसएफ दे नाल रल के सर्च ऑपरेशन चलाया गया सी। उस सर्च ऑपरेशन च 8 पैकेट रिकवर हुए ने, जिदा टोटल वेट अलोंग विद द पैकेट्स अराउंड 8.5 किलो। सो ये रिकवरी पिछले 6-7 महीने विच हाईएस्ट रिकवरी है जिहड़ी साडे जिले विच होई है गुरदासपुर। सो सीक्रेट इनफॉरमेशन दे बेसिस ते कीती गई है, FIR दर्ज कर रहे हैं एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी कैरिड। सर, जिहड़ी गुप्त सूचना उहदे तहत जिहड़े अनसर होणगे उहनां बारे भी कोई आइडेंटिटी वगैरह होई? ओह इन्वेस्टिगेशन दा पार्ट है कि जिहड़ी ये आई है खेप ओह किहदे वास्ते आई सी, किन्ने अगे लैके जाणी सी, ओह सारा इन्वेस्टिगेशन चाहूगा एंड वो एक अद्धे दिन च असी क्लीयर कर लांगे कि केड़ा बंदा इंटेंडेड टारगेट सी, इहदा किन्ने अगे लैके जाणी सी। सर, जिहड़े मुलाजम जां अमला पंजाब पुलिस दे इस विच आया उहनां दा कोई मानसिकार सरकार वल्लों जां विभाग वल्लों? उहनां नूं बिल्कुल सूटेबली रिवॉर्ड कीता जाऊगा, लिखिया जाएगा हायर ऑफिसर्स नूं, DGP साहब नूं रिक्वेस्ट करांगे एंड सूटेबली उहनां नूं रिवॉर्ड कीता जाऊगा।